Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update on Balcony Tickets Originals. अरे नीना जी, आप ना चिंता मत करो, मैं आजकल में ना कुछ करवा दूंगा आपका। और आज ना आप मेरे यहाँ रह लेना, मैं कहीं चला जाऊंगा, ठीक है? तू मेरे घर चल लियो भाई। हाँ, राहुल जी के चला जाऊंगा मैं आज, सही है? इंसानियत के नाते ही समझ लो ना, इतना सब कुछ हो गया, अब इतना भी ना करूँ मैं। नहीं नहीं राहुल भाई, 8,000 में हो जाएगा ना? मुश्किल है भाई। अरे क्या मन में मजाक कर रहे हैं राहुल भाई। उठा लेना तू। अरे मैं ले लेता हूँ। ध्यान से ध्यान। नीना जी, ये है अपनी सोसाइटी, आराम से देख के देखिए। मैं नहीं नहीं ट्रबल की बात है, आप अपने घर समझिए। आज आज आपको ट्रबल नहीं करना चाहता। नीना जी एक बात बोली थी राहुल भाई, वो ना ये ना फ्लैट ना मेरे दोस्त का है, वो ना अमेरिका चला गया फिल्म स्कूल में, उसको ना कोर्स कर रहा था वो, तो पहले मेरे साथ ही रहता था यहाँ। नहीं नहीं आप सुनो तो मेरी बात, पूरी बात तो सुन नहीं रहे आप। वो ना चाबी मुझे देके चला गया, तो अब ना यहाँ कोई रहता नहीं था, खाली पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं ही रह लेता हूँ। तो बाकी घर भर सब अच्छा है, पानी वानी सब आता है, बट वो है ना थोड़ा गंदा पड़ा रहता है क्योंकि मैं आता नहीं हूँ, सोसाइटी वालों को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो आप ना एक काम करना, बस घर से ना खिड़की से ना बार बार मत देखना, जैसे लड़कियों की आदत होती है ना, आप देख लेते हैं तो आप देखना मत। अच्छा तो ये नहीं प्लीज, अब मैं नहीं नहीं आपका काम करवा दूंगा। 8,000 रुपये बजट है ना आपका, मैं 8,000 रुपये मैं आपका करवा दूंगा काम, 2-3 दिन में करवा दूंगा। नहीं नहीं रिलैक्स, आप रो मत, जस्ट अ टेंपरेरी अरेंजमेंट, चिल। मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं रात को, मैं राहुल भाई के साथ चला जाऊंगा इनके घर। मेरे साथ चला जा सकता हूँ ना? हाँ तो मेरे यहाँ चला, मैं इनके राहुल भाई के घर चला जाऊंगा। आप आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ प्लीज। बस कर रहा हूँ, आप आ जाइए, आप वो मत पूछिए। लाइट तो ऑन कर भाई, लाइट ऑन कर देता हूँ। वो थोड़ा सा ना मैंने बोला था ना आता नहीं हूँ मैं, सेट पे रहता हूँ, वो उल्टा सीधा हो गया थोड़ा कर, मैं ना ठीक कर देता हूँ। आप ना यहाँ बैठ जाओ, आप ना आराम से। नीरज जी इधर बैठ जाओ, राहुल भाई आप भी बैठ जाओ, बस 5 मिनट लगेंगे मुझे। एक सेकेंड हो गया, गर्मी बड़ी हो रही है आजकल ये। नीना जी आप वेज हो नॉन वेज? थाली मंगा दूँ आपके लिए खाने की? हाँ ये ना मैंने धोखे डाला था, नहीं नहीं गंदा ही है अभी वो। आप थाली मंगा दूँ वेज हो नॉन वेज? नहीं इट्स फाइन। नहीं नहीं बताओ ना राहुल भाई, आप खाओगे खाना कुछ? नहीं भाई। नीना जी वो दूध ना फ्रिज में रखा हुआ है, ये दूध है ना ये फ्रिज में रखा हुआ है, वो टोंड है, वो तो फुलकरी में थोड़ा महंगा हो जाता है, तो टोंड ही ले आया था मैं। तो आप ये ना चाय बना लेना, वो बिस्किट भी रखे हुए हैं, बस थोड़े से ना सील गए होंगे, तो देख लेना आप। आप अलार्म लगा रहे हैं 7:30 बजे का, अगर 7:30 बजे पानी मिस हो गया, अलार्म मिस हो गया तो पानी भी मिस हो जाएगा। अरे आपने बताया नहीं वेज हो नॉन वेज? वेज हो ना? हाँ तो अभी पिंकी टिफिन को फ़ोन करता हूँ और थाली मंगा लेता हूँ। मैं भी कुछ ऑफिस फ्रेंड से बात करता हूँ आपके लिए। पूरा नाम? नीना मोटवानी। कुछ इनके बजट में करवा देना, ठीक है? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ भैया एक वेज थाली भेज दो, A402 रोजबर्ड अपार्टमेंट। हाँ अच्छा, और क्या? पापड़ भी लोगे क्या आप? 20 रुपये का पापड़ मंगवा ले भाई। अरे 20 रुपये कह रहा है भाई पापड़। इट्स ओके, ठीक है पापड़ भी कर दो आप। कितने हुए टोटल? हाँ अरे 150 रुपये, पहले तो सस्ती थी। मिनी थाली आएगा सर, मिनी थाली करवा दो। ठीक है। हाँ कितना हुआ टोटल? 110 ना, डन भिजवा दो A402 रोजबर्ड अपार्टमेंट। हाँ जल्दी कर दो, ठीक है। I'll pay for my own food. अरे नहीं नहीं वो मेरा ना इनसे हिसाब चलता है, 110 रुपये दे दो।
I'll manage. अरे नहीं नहीं, मैंने ना इनको पैसे दे रखे हैं, इन्होंने मुझसे उधार लिए थे, तो उसमें से ही कट रहे हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, यू जस्ट स्टे काम, हो जाएगा। अरे नीना जी, ओके रिलैक्स, आप रो मत, आगे हो ना आप ना यहाँ आराम से रहो, मैं तो राहुल भाई के साथ चला जाऊंगा, मैंने बोला था आपसे। ठीक है राहुल भाई, आपके चल चलते हैं। ठीक है आ जाओ। अरे मैं आपको नंबर मैसेज कर रहा हूँ, आपको कुछ भी जरूरत हो ना आप कॉल कर देना मुझे। अरे यार एक ही दिन की तो बात है, चुके मेरी वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम होगी ना, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को भी ट्रबल करना। नहीं नहीं, परेशान की कोई बात नहीं है नीना जी, अब यहाँ तो रह सकते हो ना आप। आप नहीं रह जाओ, आपके पास सोफा भी है, मैं इसी पे सो जाऊंगी। आप सो नीना जी, इस पे ना वो थोड़ा सा कुछ निकल रहा है नीचे, तो वो चुपता रहता है रात को। अरे चलो आप इसमें सो जाना, मैं इधर सो जाऊंगा, मेरी तो आदत हो गई है, वो दिन भर कुछ चुपता रहता है ना, तो खुजा खुजा के थोड़ा मैं मैनेज कर लूंगा, आप ना इधर सो जाना। अरे हाँ हाँ, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ नीना जी, बहुत डर लगता है, आप यही रह जाओ। ठीक है चलो राहुल भाई, चलो गुड़िया भाई, अब खा जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं इनको नीचे छोड़ने जा रहा हूँ, आप तो बात बात पर रोने लगते हो, कोई बात भी नहीं आप फिर भी रो रहे हो। मैं भी कल बात करता हूँ, यही रह लूंगा मैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है अपना पानी दू आप, चल मैं चलता हूँ फिर, मैं इनको नीचे छोड़ के आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ नीना जी। ठीक है, और वो खाने वाला आ रहा होगा बस। चल अच्छा भाई, तेरी राय तो सेट हो गई। कैसे? अरे नहीं यार राहुल भाई, क्या बात कर रहे हो, आज ही तो मिला उससे, अभी तो जानता भी नहीं ठीक से उसे मैं। तो जान जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, तो साथ ही है तेरे, लड़की अच्छी है, सुंदर है, पट जाएगी तेरे से। अरे यार यार वो सब छोड़ो मेरा, आप अपना बताओ, आपका क्या होगा, वो सब भसोड़ी जो हुई है इतनी सारी। जाकर दारू पीऊंगा, रोऊंगा कुछ दिन। रोना है तो मेरी घर ही रो लो। चल चल कर दारू पीते हैं कहीं। वो लड़की उसका क्या होगा फिर? अबे चिंता तो करा, जैसे तेरी बीवी हो, फोन कर दे, घर आ जाएगा थोड़ी देर में। अरे छोड़ दूंगा तुझे यहाँ, चलना है तो चल, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो वैसे भी गांड लगी पड़ी है, इस लड़की को भी नहीं पटा सकता, सब कुछ तो उसी के सामने हुआ है। इस लड़की को तो छोड़ दो यार कम से कम। क्यों बे, तेरा दिल आ गया क्या? दिल तो नहीं आया लेकिन समझा करो यार बात। अच्छा चल ठीक है चल, कोई बार बार है यहाँ? हाँ एक है आगे सिग्नल पे, तू चल रहा है, मैं पिलाऊंगा तुझे। पिला तो मैं भी दूँ, 1500 आप नहीं दोती है उसमें से काट लेना। चल फोन कर दे उसे। हेलो, हाँ नीना जी, वो मैं ना राहुल भाई के साथ कहीं जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो खाना वाने का ऑर्डर कर दिया, तो आप ना खाना खा लेना, वो चाय बनानी हो ना तो दूध रखा हुआ है, चाय पत्ती सब है वहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है, क्या बोली? ठीक है चल फिर, ऐसा करते हैं मेरे घर ही चलते हैं, वहीं पीते हैं, फिर तोड़ पकड़ के घर आ जाना, भाई पी के मैं गाड़ी नहीं चलाता। जैसी आपकी श्रद्धा। चल फिर, इतनी बहुत है? हाँ हाँ, पॉकेट की तो जितनी मिल जाए उतनी अच्छी है राहुल भाई। कोल्ड ड्रिंक के साथ ले गए या पानी के? यार कोल्ड ड्रिंक के साथ दे दो, पानी तो रोज ही पीता हूँ। राहुल भाई एक बात बताओ, साला हर लौंडा ब्रेकअप पर नहीं पर उल मौकी क्यों पीता है? पता नहीं भाई, तेरा ब्रेकअप हुआ है कभी? यार ऐसा कौन सा लौंडा है राहुल भाई जिसका ब्रेकअप ना हुआ हो, हर लौंडे का ब्रेकअप होता है, बहुत जरूरी है सारा दिल टूटना। Cheers. Cheers. इस बार तो मेरा ब्रेकअप एम ही हो गया वेंचर। एम ही कैसे हो गया? आप दोनों लड़कियों के साथ चोद भांगड़ा कर रहे थे, तो लड़की सही है ना आज वाली जो आपको लात मार के चली गई, क्या नाम था उसका, श्रुति? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वो जो लड़की है ना एयरहोस्टेस, हाँ उसे मैं किसी पार्टी में मिला। अच्छा, तब मैं सिंगल था, उससे बात हुई, ठीक है, व्हाट्सएप पर, कभी कभार फोन पर, कभी डिनर पर चला गया, अब उसको प्यार हो गया मुझे नहीं। अच्छा, उसे इनडायरेक्टली समझाया भी, फिर एक दिन फिल्म देखने चला गया, सैटरडे नाइट 11:50 का शो था। कौन सी? टू स्ट्रेट्स। अच्छा अच्छा, फिल्म खत्म हुई रात के 2:30 बजे, वो मेरे घर आ गई। क्या बात कर रहे हो, फिर मैंने फर्स्ट किस वाला वीडियो दिखाया, वही जो वायरल हुआ था,
We collected strangers who kissed for the first time. हाँ वही. आठ बार तो देखा था वो सीन मैंने आठ बार. फिर उसने मुझे किस किया. और आपने? मैंने भी किया. मुझे बता रहा आप करोगे. चकल से दिखता आपकी आप करोगे किस. जैसे तुझे फ्री की दारू मिल रही है तो आसानी से पी रहा है ना. ऐसे जरूरी मत करो राहुल भाई यार. ठीक वैसे ही जब वो लड़की मुझे आसानी से किस कर रही है या सब कुछ करा रही है वो भी जब मैं सिंगल हूँ तो मेरा भी तो फर्ज बनता है. मेरा भी तो सामान है. मुझे थोड़ी पता था कि वो सीरियस हो जाएगी. शादीशुदी की बातें करने लगेगी. थोड़ी चलाए तो फिर सेक्स भी कर लिया होगा आपने पक्का. सेक्स वेक्स भाई झूठ मत बोलो राहुल भाई. करा होगा सामान है. आप बोल रहे मेरा सामान है फर्ज बनता है. सेक्स नहीं किया आपने. हमेशा हैंकी पैंकी किस बीच आना थोड़ा बहुत और कुछ. भाई मैं ना छवि को एक साल से जानता हूँ. बहुत आरामी लड़की है वो. बॉयफ्रेंड भी उसका एक. क्या बात कर रहा है तू. मेरे पीछे पागल है. दो लौंडों के पीछे पागल नहीं हो सकती क्या. कहीं लिखा हुआ है क्या. कहा है बॉयफ्रेंड. वो आता है उसको छोड़ने. सेट पे तो आता है कोई काली गाड़ी में कोई होंडा सिटी में. वो लड़का. हाँ हाँ. अबे वो उसका कजन है. अरे कजिन नहीं है राहुल भाई. ये कजिन को भी लड़कियाँ किस करती है क्या. एकदम झोलमाल है सब बॉम्बे में. पता नहीं आपको. तूने कहाँ देखा उसको. तो भाई एक मूवी देखने गया था शुद्ध देसी रोमांस. वहीं अपने इन्फिनिटी मॉल में. मैं बिल्कुल आगे वाली सीट पर बैठी थी. और भाई फिल्म तो देखी नहीं उन्होंने. पूरा टाइम ना मुंह में मुंह डाल के बैठे रहे बस कसम से. साली ने धोखा किया मेरे साथ. अरे तो बात अब बराबर होगी ना. धोखा कैसे कर दिया. बराबर कैसे हो गई. अरे मैं सिंगल था. मैं थोड़ी किसी के साथ था. अरे तो श्रुति मिली आपको तो आपने अवॉइड कर दिया. तो हो गई बात बराबर. वो है ना क्या है वो कर्मा इज़ अ बिच. और आज आपकी पोल खुल गई और मेरे साथ बैठ के ओल्ड मोंग पी रहे हो. और सबसे बड़ी बात पोल मेरी वजह से खुली. साले कुत्ते तेरी वजह से मेरी पोल खुली. मैंने तेरी हेल्प की. तुझे खाली पीली फोकट में दारू पिला रहा हूँ. बहन जलील कर रहे हो. तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ भाई. मेरी ही गलती है. आप श्रुति से मिलने के बाद छब्बीस से एक बार भी नहीं मिले. एक बार भी नहीं. कभी फोन नहीं उठाया उसका. मैसेज करके अवॉइड कर दिया. उसका नंबर ही मैंने मिस्टर सचदेवा के नाम से सेव किया. मिस्टर सचदेवा. ये मिस्टर सचदेवा का क्या सीन है. क्या भरसा उड़ी है. कौन है मिस्टर सचदेवा. ऑफिस में कोई अंकल है भाई. रोज रोज कोइंसिडेंस थोड़ी होता है. अच्छा मेरे बाबा के दोस्त हैं मिस्टर सचदेवा. हम विशालगढ़ में रहते हैं. तू दिल्ली से. दिल्ली से हूँ मैं. प्रीतमपुरा. मैं भी दिल्ली से हूँ. दिल्ली में कहाँ से. नोएडा सेक्टर 23. तो NCR बोलो ना. दिल्ली क्या. और पापा मम्मी. वही रहते हैं. पापा रिटायर्ड हैं CBWT में. और आप. मैं 5 साल से एक IT कंपनी में रहा हूँ. यार आपका सही राहुल भाई. न्याना बहन का लौटे दिन रात काम करो फिर भी माधो चौथ पैसे नहीं देते. इन्वॉइस लाओ TDS कटेगा ये वो. 2000 रुपये पर डे पे काम करता हूँ फिर भी साले सारा पैसा काट लेते. पता नहीं कितना आता. प्रोडक्शन वाले ना सारे माधव चौथे सारे. क्यों कर रहा है सब. पढ़ाई लिखाई नहीं की तूने. यार मैं ना इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकिन एक साला बल्ब नहीं चलाना था मुझे. मुझे ना बस फिल्म बनानी आती है बस. कभी कोई फिल्म बनाई तूने. हाँ दिल्ली में बनाई 2 फिल्म 10,000 रुपये में. 2 अवार्ड भी मिले वो फिल्म फेस्टिवल में. बढ़िया है. बॉम्बे में क्यों नहीं बनाई. बॉम्बे में राहुल भाई बहुत चोचा बड़ा फिल्म बनाने का. बहुत पैसे लगते हैं साले. ये वो करो इतनी परमिशन लाओ. दिल्ली में सही अपना बहन के ठाट से बनाओ ना. बहुत लोचा है. सारी फिल्में तो सारी यही बनती हैं. यार बनती है ना. यहाँ ना लाखों करोड़ रुपये लगता है समझे. जब जेब में 1800 रुपये पड़े हो ना जिसमें 1500 रुपये आपने दिए अपने लौड़े लगवाने के तो 300 रुपये में क्या लंड फिल्म बनेगी राहुल भाई. वैसे आपने मुझे पैसे दिए क्यों. पता नहीं क्यों दिए. वापस दे दे. अरे वापस मत लो. अब 3 दिन चल जाऊंगा इन पर. 3 दिन में क्या करेगा. बोल लूँगा किसी दोस्त से मांग लूँगा नहीं तो पापा को फ़ोन करूँगा 1000 रुपये डाल दो. अब बाबा 1000 रुपये भी डालेंगे 1000 गाली भी सुनाएंगे कि कुछ कर लो क्या कर रहे हो कितने बड़े हुए हो शादी कर लो बच्चे कर लो ये वो. तेरे घर वाले भी शादी के पीछे पड़े तो और क्या. किसके नहीं पीछे पड़ते. सबके पीछे पड़ते हैं भाई. यार होंडा करे कैसे शादी. इतनी बसड़ है. पहले करो मैं अच्छा था स्कूल डेज. हाँ लड़की को देख लेना राहुल भाई. बस बहुत हो गया. मैं प्रीतमपुरा से ना पंजाबी विभाग तक साइकिल पर जाता था ट्यूशन के लिए सिर्फ उस लड़की को देखने. दिल की धड़कने ना तभी तेज हो जाती थी. आजकल तो इस साल पहले ध्यान ना सेक्स भी जाता है.
स्कूल के प्यार में ना प्योरिटी थी, आजकल तो साला कोई बाउंड्री ही नहीं है। सही बोल लो। लड़की का नंबर मिला, व्हाट्सएप पे लौटा चल। मेरा तो व्हाट्सएप ही नहीं। रिमेम्बर मी, कॉफी पीने चलोगी? और आजकल देखो भाई, आप लड़कियों के पास ऑप्शंस कितने, पता ही नहीं चलता एक टाइम पे कितनों को चला रही है। अब छवि वाला सीन देख लो, आपको भी उसको भी एक्टर को, कैसे कोई करे शादी बताओ। उस टाइम पे लैंडलाइन पे वेट करते थे टाइम का। फोन बजने से लेकर उठाने तक पता चलता था कि फोन किसने उठाया। वो टाइम बहुत अच्छा था भाई, 2002-2003 जब हम स्कूल में थे। हाँ, मोबाइल होना बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात होती। मैसेज पैक रिचार्ज कराते थे, 100 रुपये में 1000 मैसेज। भाई प्यार करने में ना सिंसियरिटी थी, प्योर रोमांस, प्योर इमोशन, मतलब सेक्स का तो सोचते नहीं थे। आज कल तो साला जब तक ये चुम्बन नहीं हुआ ना, मतलब समझो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ही नहीं। जिंदगी स्पेशली हमारी जनरेशन बहुत तेजी से जी रही है। सही बात। तो देख, पेजर से लेके सोशल मीडिया हमारे सामने आया और गया। गया, राइट। और कुछ से फेसबुक, लैंडलाइन से मोबाइल, सीडीएमए से एंड्रॉइड, फिर ऐप्स और पता नहीं क्या क्या। पता नहीं आने वाली जनरेशन का क्या होगा। हाँ, सही बात। मेरी सोसाइटी में 14 साल के लड़के हैं जिनके साथ में कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। सुन लो, सालों में से एक भी वर्जिनिटी है। क्या और कर रहे हो? जब हम छोटा के थे तो वर्जिनिटी का मतलब भी नहीं जानते थे। भाई अब बात तो सही कर रहे हो, लेकिन सारी ना बुढ़े वाली बातें। आप वैसे अभी ना बहुत कुछ देखना बाकी रह गया, अभी तो कितने काम करने हैं, शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, बहुत कुछ करना है। फिर से शादी? यार अब तो करनी पड़ेगी ना भाई, शादी क्या बात है, ज़रूरी है। मैं क्या बोलता हूँ, साला कैसा लॉ आना चाहिए कि जो प्रपोज कपल है ना, वो कम से कम 3 महीने साथ में रहे और फिर देखे कि साथ निभा सकते हैं, फिर शादी। साला एक भी डिवोर्स नहीं हुआ। इतने आर्टिकल्स आते हैं फेसबुक पे, मेंस एक्सपी के ब्लॉग पे, कपल्स आर गेटिंग डिवोर्स एवरी डे। बहुत बड़े रोल भाई, बहुत एक नंबर आइडिया बताया अपना, एक नंबर। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए आपने जैसे बोला। चढ़ गई है। मैं सोने जा रहा हूँ, तू यहीं सोफे पे सो जाइयो। यहाँ पे जो ऑटो पकड़ के घर चले जाइयो भाई। पैसे डाल भाई, वैसे भी 10 रुपये की मैं गाड़ी नहीं चला। खाना तो खा लो, ये सब पैक हुआ इतना सारा आया। तू खा भाई, मैं चलता। खा लो ना, एसिडिटी हो जाएगी सुबह को। और क्या हो रहा भाई? फोन बिजी है सारी का। रुको मैं आता हूँ, रुको मैं आता हूँ भाई, एक मिनट। आ रहा हूँ भाई, टेंशन ले रहा हूँ भाई।